हेलो एवरीवन। हाँ, मैं वापस आ गया। मैं वापस आ गया हूँ। जस्ट किडिंग गाइस। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि आप नहीं चाहते कि वो हो, लेकिन तब भी वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे कुछ मैं थोड़ा सा अकेला से फील कर रहा था। अकेला क्या, अकेला हूँ और अकेले से थोड़ा फील कर रहा था। तो सोचा क्या करूँ क्या करूँ। फिर यार ख्याल आया, क्यों ना अपने दोस्तों से ही थोड़ी सी मुखातिब या मुख्तलिफ बातें हो जाएं। तो यार फ्रेंड्स, मैं ना ऐसे कुछ गुनगुना रहा था गाना, कोई भी ऐसे कुछ गा रहा था। तो एक गाना था, आई डोंट नो द मूवी, मतलब कौन सी मूवी का था मुझे ध्यान नहीं, पर ये गाना बहुत प्यारा है, एक बार आप सुन लो। ऐसे एक वर्ल्ड आजकल चल रहा है, तो आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आएगी, मतलब उतनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस जितनी आप लोगों को है, शायद कुछ को हो भी ना, लेकिन जिनको है तो उनकी शायद एक्सपेक्टेशंस में मैं ना खड़ा हो पाऊँ। लेकिन कोल्ड है थोड़ा बहुत, आवाज़ में फ़र्क पड़ता है। तो हियर वी गो। Come stand by my side, come and be my guide. Don't lie, want me, what do you want me to be? I give up my love and hold up a lie. Sonny, what sonny you tumhe dekhta hu to sochta hu बस यही तुम जो मेरा साथ दो, सारे हम भुला के दिल मुस्कुरा के जिंदगी तू दे दे मेरा साथ, थम ले हाथ चाहे जो भी हो बात, तू बस चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। साथ ले चलूं संग तेरे सफर पूरा करूं, तुम बनो साया मेरा, तू है मेरी जान, रहना तो पास हर दफा, नो यूज़ येट। कोई बात नहीं, क्या पता मैं फेमस इतना ना हुआ हूँ। खैर कोई नहीं गाइस। मोहब्बत, इश्क, जुनून, ये तीन शब्द है तो एक ही, लेकिन इनका मोल बहुत ज़्यादा है। चाहे आप किसी से कहो कि आप उससे मोहब्बत करते हो, या चाहे आप किसी से कहो कि आप उनसे प्यार करते हो, इश्क जताते हो, है तो एक चीज़, बस नाम अलग है।
मैंने सोचा यार चलो मैं भी जाके कि उसको बोल दूँ, लेकिन नो गट्स, हिम्मत ही नहीं हुई यार। मतलब 2 कदम आगे बढ़ाता हूँ, 4 कदम पीछे हो जाता है, आई डोंट नो वाई। और गाइस गाइस मुझे पता भी नहीं कि मेरी गलती किधर है, क्या पता मेरी किस्मत में नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये तो हो गई पर्सनल बात। अब देखो पर्सनल भी ऐसी बात है कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों से, पेरेंट्स से तो शेयर कर नहीं सकता, वो तो समझेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, बेटा तू पढ़ाई में दिमाग लगा, तू ये कर तू वो कर, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो इस बेचारे दिल को पड़ता है। दिल की बात कोई कैसे जाने जब तक उसके साथ वो चीज़ बीती ना हो। सोच कर देखो, जो दिल में बात होती है ना, वो जब निकलती है किसी आर्टिस्ट के द्वारा, तो अगर वो आर्टिस्ट सिंगर है लाइक मी, तो म्यूज़िक के ज़रिए बयां होती है, और अगर वो एक्टर है तो एक्टिंग के द्वारा बयां होती है। जो भी है, अगर वो डांसर है तो डांसिंग के मूव्स ऐसे करेगा कि आदमी जो देख रहा होगा उसको समझ में आ जाएगा बड़ा दुख है इसमें, या कुछ ये कुछ कहना चाह रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि आदमी अपने टैलेंट्स होने से वो चीज़ों को इजहार कर देता है। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं, पर आई डोंट नो हाउ टू टेक दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस। मैं बस पीछे हट जाता हूँ और क्या करूँ, क्योंकि अगर कुछ बुरा हो तो मेरे में इतनी हैसियत तो नहीं है कि मैं उस चीज़ को सहूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग ही और होते हैं जो इन सब चीज़ों को सह सकते हो, हम लोग कहाँ यार। आई एम वेरी सेंसिटिव। खैर लेट्स फॉरगेट इट, ये बात करेंगे कंटिन्यू फिर कभी और। लेकिन अभी जो ताज़ा ताज़ा खबर है वो ये है कि आपको तो पता ही है 500 और 1000 के नोट का क्या चक्कर चल रहा है आजकल। मोदी जी खुद जनता को दुविधा में डाल के जापान में मौज कर रहा है। अभी तो मैंने उनका भाषण भी सुना था, लेक्चर, भाषण में, वो भाषण उनका वहाँ पे था जापान में। कुछ लाइनें हैं, लाइनें क्या मतलब, कुछ वर्ड्स उन्होंने बोल दे कि सब लोगों ने कहा कि नो, कि मोदी को उकसाओ उकसाओ उकसाओ, ये परेशान कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है। एक तरह से यार सही भी है ये। देखो जहाँ तक अगर मेरी राय पूछो तो मैं इसको 50-50 रेट करूँगा कि 50% सही है, 50% गलत। देखो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये स्कीम मोदी को लानी थी तो सबसे पहले उसको कहना चाहिए था कि कम से कम कुछ टाइम देना चाहिए था कि आप अपने जो भी आपका कुछ है आप उसको संभालो, कुछ करो, बैंक में डालो, कुछ करो। वो जो उन्होंने स्कीम बना रखी है 2.5 लाख से कम का जितना होगा तो उनको ही मिलेगा, बाकी का इनकम टैक्स का कुछ 2.5 लाख से ज़्यादा का होगा तो उन पर इनकम टैक्स की रेड होगी या कुछ होगा, फलाना होगा। तो अगर ये कुछ हफ्ते पहले ही अगर मोदी बता देता कि ऐसा होने वाला है तो आम आदमी अपना माइंड को सेटअप कर लेता कि यार चलो इस तरह से हमें अपने आप को मैनेज करना है, या इस तरह से अपने आप को डील करना है, या किस तरह कैसे सिचुएशन में डील करना है। अब 8 नवंबर की बात है, ऐसे कह दिया, ऐसे कर दिया। अरे तुम लोग बताओ कौन माइकल लाल वो मतलब 50 दिन में भाग दौड़ करके वो मनी एक्सचेंज कर लेगा, कौन माइकल लाल कर लेगा, खुद सोचो। वैसे एक बात बताऊं, बोले मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मोदी जी है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जैसे ब्रिटिशर्स हमारे साथ करते थे, स्लाइटली वो ऐसे कर रहे हैं, मतलब हमें परेशान करना चाह रहे हैं किसी तरह से। नॉट एग्जैक्टली लाइक ब्रिटिशर्स, बट मुझे लग रहा है कि वो अब परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। तो उम्मीद बस ये कर सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं ऊपर वाले से कि उनको थोड़ी समझ दे दें ताकि वो ऐसा ना करें, क्योंकि आम आदमी को बहुत प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आप बस थोड़ा ख्याल रखिए हम लोगों का, हम आपके वो हैं, हम लोग आपकी जिम्मेदारी हैं। और अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको टैक्स भी कम आएगा, और अगर आप टैक्स चाहते हैं कि फुलफिल आए तो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही कुछ कर दीजिए। अब तो क्या खैर होगा, अब तो बैन हो गया, ठप्पा लग गया, अब क्या कर सकते हैं।
खैर वॉइस अभी सिर्फ एक ही है, जसप्रीत बसंत। हाय जसप्रीत, गाइस मैं साइन ऑफ करने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, और कुछ टॉपिक है नहीं मेरे पास बात करने को। बस ऐसे ही मन थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था, तो सोचा यार चलो अपने दोस्तों से बात कर लूँ। जाते जाते एक गाना आप सबके लिए, आप सबके लिए क्या, एक ही आदमी है जसप्रीत तेरे लिए। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा पूछे नाम तेरा। चंदा मेरे आ मेरे आ चंदा मेरे आ मेरे आ लिया ओ पिया। चंदा मेरे आ चंदा मेरे आ मेरे आ चंदा मेरे प्यार जो पाया है तुझ पे मर के ही था मुझे जीना आया। वो तेरा संग यारा खुश